हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है ज्यामिति। डीआरडीओ के अंदर लगभग सारी क्लासें आपको कंप्लीट करवा दी गई है, सारा सिलेबस कंप्लीट है। एक टॉपिक बचता है उसका मिक्सचर का, ठीक है, वो भी इसमें हम कवर कर लेंगे। ओके, ज्योमेट्री जो है भाई, वो जैसे मैंने आपको बताया था, आप स्टार्ट करेंगे एसएससी के बारे में। तो एसएससी के अंदर ज्योमेट्री जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, एक ज्योमेट्री और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो पहले आप स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री, इसमें काफी सारी क्लासेस होगी हमारी। ये मत सोचना कि 10 एक पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी, इसके पार्ट कई बनेंगे, पूरा डिटेल में करेंगे, बेसिक से करेंगे। जो भी फ्रेशर है, जिनको नहीं आता वो ध्यान से सीखना, और जिनको आता है उनको अगर एडवांस में करना है तो वो किसी और चैनल से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करेंगे आप इसका बिल्कुल बेसिक से। पहला टॉपिक है इसमें हमारा ट्राइंगल, ठीक। अब ट्राइंगल के ऊपर क्या क्या होगा वो आपको बता देते हैं सारा कुछ। ट्राइंगल के अंदर पहला पॉइंट आ जाता है हमारे पास, देखो आप सब जानते हो इस बात को कि तीनों कोणों का योग कितना होता है। तीनों कोणों का योग ये होता है 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री, ठीक। ये बात हम जानते हैं, हमें पता है 180 होता है, और आपको याद भी इतना ही रखना है कि 180 होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ साथ आपके दिमाग में एक बात और आ जाए कि 180 क्यों होता है, तो ये परमानेंटली आपकी मेमोरी में सेट हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, देखिए तीनों कोणों का कोण, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके लिए सबसे पहले एक पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई दो हमारे पास समांतर लाइन है और इनको कोई एक तिरछी रेखा काट देती है, कोई एक तिरछी रेखा काट देती है, तो यहां जो कोण बनेंगे इनको क्या कहा जाता है, इन कोणों को हम कहते हैं, क्या नाम आएगा इनका, हिंदी में कहें तो एकांतर कोण, और अगर आप इंग्लिश में कहोगे तो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण। और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, जितने डिग्री का ये है उतनी ही डिग्री का ये कोण होगा, ओके। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमें ये भी पता है कि एक लाइन के ऊपर जो कोण होगा ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा, होगा इतना बिल्कुल होगा। चलो अब एक ट्राइंगल बना लेते हैं, कोई सा भी आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, मान लो हमने कुछ इस प्रकार से एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, कोई सा भी हो। इसके अंदर जब आप वर्टेक्स या जो एंगल है उनका नाम रखोगे ना, वो हमेशा कैपिटल में रखा जाता है, ठीक है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ओके। अच्छा, इनकी जो साइड होती है उनके नाम रखेंगे वो होंगे स्मॉल अल्फाबेट में, ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड होगी बी, और सी के सामने जो साइड है वो होगी सी, स्मॉल सी आएंगे, ठीक है, ए बी सी, ओके। अच्छा, तो अब हमें ये बताना है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कैसे हुआ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा काम आप अपने दिमाग में सेट कीजिए कि हम बी सी के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं जो ए से टच होकर गुजरती है, ओके, और इस लाइन को मान लो हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते, ठीक। अब ये वाली जो लाइन है ए सी, ये ठीक समांतर लाइन के बीच में क्या एक तिरछी रेखा ही तो है। अच्छा, ये तिरछी रेखा है तो ये सी, यहां पे जो एंगल है इसके बराबर यहां एक कोण बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। ये कोण और ये कोण बराबर है, हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे यहां पे, कोण सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर से देख लो हो क्या रहा है, हमने बी सी के समांतर एक लाइन खींच दी जो ए से होके गुजरी है, ठीक है, और ये वाली जो AC वाली लाइन है ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है दो समांतर लाइन के बीच में, और जैसे ही दो समांतर लाइन के बीच में एक तिर्यक रेखा खींची जाती है तो जो एकांतर कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, एकांतर कोण बराबर हो गए, ओके। तो जितना ये है उतना ही ये वाला बन गया। सेम अगर दो समांतर लाइन के बीच में हम ऐसे लाइन लगा दें, अब भी तो क्या बनेंगे, ये एकांतर कोण को बनेंगे, ठीक है। तो इस साइड से अगर ए बी को देखें
तो ये जो कोण है उतना ही कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला होगा। ये कौन सा कोण आ गया यहाँ पे, बी। ठीक है, अब एक लाइन के ऊपर कौन कौन से कोण आ गए, कोण ए, कोण बी और कोण सी, इनको अगर हम इकट्ठा लिखना चाहें तो कुछ ऐसा बन गया हमारे पास, बढ़ गया। तो ये कोण कितने का हो जाएगा, अब 180 डिग्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। वैसे एसएससी कभी नहीं कहता कि प्रूफ कीजिए, प्रूफ नहीं आएगा, आपको बात यही याद रखनी है। बताया इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग में अगर सारी बेसिक बातें सेट हैं तो सवाल कितना भी घुमा के पूछे कहीं ना कहीं हम उसको कैच करेंगे। ठीक है, हाँ रट्टा मारना है कि ये वाली बात इतनी याद रखिए, इनफ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, एक पॉइंट और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अब ये था पहला पॉइंट, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक पॉइंट यहाँ से निकल के आया कि एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अपन अगला पॉइंट आएगा हमारे पास, इसको हटा दीजिए, जिसको हम बोलेंगे अपोजिट एंगल या फिर बाह्य कोण। बाह्य कोण किसके बराबर होगा, एक ट्राइंगल और ले देते हैं अपन, इसको छोड़ देंगे यहीं पे। पॉइंट दो ये है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। एक एक पॉइंट को समझ लेना क्योंकि अभी भी हमारे पास टाइम है। आपका एग्जाम एसएससी जो ले रही है सीएचएसएल का वो 15 अगस्त के आसपास है, चेक कर लेना एक बार एग्जाम डेट फिर से आप। तब तक हम ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री दोनों बड़े आराम से कवर कर जाएंगे, और पीछे जो क्लासेस हुई हैं उनकी आप रिवाइज करते रहना। अलग से एक टेस्ट सीरीज ही बना रखी है, वो भी आप करके देख लेना, जितना आए ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा मैथ ये टॉपिक और ट्रिग्नोमेट्री पूरी होने के बाद कंप्लीट कवर है, एक मिक्सचर हो रहता है वो भी करवा देंगे। ठीक है, तो टाइम हमारे पास अभी भी है, आराम से हो जाएगा, अच्छे से कैच करते जाइए। चलिए अब इसमें क्या आएगा हमारे पास, हम बात करेंगे बाह्य कोण। ये मान लो ए बी सी, ये हो गए यहाँ पे एंगल्स, ये इसकी साइड ए, ये साइड बी और ये साइड सी। हमने इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कोण बनेगा ना, ये वाला, ये क्या है हमारे पास, बाह्य कोण। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल, ओके एक्सटर्नल एंगल। अब ये जो बाह्य कोण ये है अल्फा, ये अल्फा किसके बराबर होगा, तो जो बाह्य कोण है वो बराबर होता है आंतरिक अभिमुख, आंतरिक अभिमुख कोणों के योग के बराबर, या फिर बाह्य जो एक्सटर्नल एंगल है वो किसके बराबर होगा, इंटरनल जो अपोजिट एंगल है उनके सम के बराबर होता है। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी। ये चीज होती है, ये दूसरा पॉइंट है हमारा। ठीक है, जो बाह्य कोण है वो किसके बराबर आएगा, जो आंतरिक अभिमुख कोण है उनके योग के बराबर आएगा। ठीक है, ये पॉइंट दिमाग में सेट कर दीजिए, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये है। ओके, इन दोनों पॉइंट को मिला के हमारे पास आगे क्वेश्चंस भी हम वो भी करेंगे। अच्छा, ये हुआ कैसे तो वो भी देखते हैं कि सच में ये अल्फा इक्वल टू ए प्लस बी आता भी है या नहीं आता। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं अपन, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो इसके लिए भी हम आ जाते हैं, मान लो आप एक ट्राइंगल ले लेते हैं या इसी में बात करते हैं, चलो एक और लेते हैं, एक ट्राइंगल और ले लिया हमने, यहाँ पे कर दिया कोण एक्स, यहाँ पे कर दिया कोण वाई, ये एंगल ओ, ये है आपका अभिमुख कोण, इसको आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, ये आएगा हमारे पास बीटा कन्वर्स को। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि जो बीटा है वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा शुरुआत कैसे करेंगे, जो कोई भी ट्राइंगल उसके अंदर के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसके तीनों कोणों का योग 180 होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, 180 ये होगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण देखना है हमें कितना होगा। तो इस कोण को हम ये लिख सकते हैं, इसको नाम दे दीजिए आप कोई भी, जेड मान लीजिए। ठीक है, तो जेड जो कोण है वो किसके बराबर आएगा, 180 माइनस एक्स प्लस वाई, इसके इक्वल आएगा। ये जो जेड है वो किसके बराबर आएगा, तीनों कोणों का कोण योग 180 डिग्री, अगर 180 में से ये दोनों माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा,
जेड बच जाएगा। आगे इतनी बात समझ में? हाँ जी बिल्कुल आ गई होगी, नो प्रॉब्लम। ये बच गया इतना, अच्छा। अब ये बड़ा जो कोण है हमारे पास, देखिए आगे, हाँ जी, तो आगे क्या आएगा हमारे पास? अब अगर हम इस लाइन की बात करें तो इस लाइन के ऊपर ये वाला जो कोण है पूरा का पूरा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अभी बताया था आपको एक लाइन के ऊपर पूरा एकदम 180 डिग्री होता है। तो यहां से हमारे पास अब क्या बनेगा? बीटा प्लस ये जेड, जो जेड है वो, ठीक है, जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये रही 180 माइनस एक्स प्लस वाई, ये है, बिल्कुल है। अच्छा ये जो पूरा कोण है ये कितने डिग्री का होगा? 180 का होता है। तो हम इस पूरे को इक्वल टू 180 रख दें तो कोई प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, ये होता ही है। अच्छा अब अगर हम यहाँ से ब्रैकेट हटा दें, ठीक, तो 180 से 180 डिग्री कटेगा क्योंकि ये भी साइड प्लस है, ये भी प्लस है, दूसरी साइड जाके माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? एक्स प्लस वाई। अब देख लो बीटा क्या चीज है। बीटा है हमारे पास एक्सटर्नल एंगल या बाह्य कोण, ठीक है। ये बाह्य कोण किसके बराबर आया? इन दोनों कोणों के योग के बराबर आ गया। और यही हमें प्रूव करना था कि जो बाह्य कोण है वो आंतरिक अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। हो गया। चलिए अब इन दोनों पॉइंट को मिलाकर एक क्वेश्चन करते हैं। अपना डायग्राम बना देता हूं पहले, क्या आएगा हमारे पास? जी तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल गिवन है हमें एबीसी, सी पे क्या है एंगल वाइज वेक्टर, यानी एक जो एंगल है उसको दो बराबर पार्ट में बांट दिया गया और यहां से एक लाइन ड्रा की गई डी तक, ठीक है। और एक ट्राइंगल और बनाया गया एईडी, एईडी के अंदर एडी जो है वो एसी के एई के इक्वल है, एडी जो है वो ई E के इक्वल है, ये क्यों है। और जो एंगल बी है, एंगल बी ये कितना है? 50 डिग्री, इतना हमें दे रखा है। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी गिवन है, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन ये पूछा कि जो एंगल वाई है ये बता दो भाई कितने डिग्री का होगा। तो जैसा कि हमने अभी भी दो पॉइंट डिस्कस किए, एक किया था तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, और दूसरा था कि आंतरिक अभिमुख कोणों का योग बराबर होता है या इंटरनल जो सॉरी एक्सटर्नल जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा? अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। वही चीज यहाँ पे आपने अप्लाई कर दी है। तो स्टार्ट कर दो, बार बार वही बातें दिमाग में आपको रिकवर करनी है भी कहाँ पे क्या लगाए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास एंगल है एक्स 50 और डी, हो गया इतना। अच्छा इन तीनों कोणों का योग हमें पता है कि जो ट्राइंगल हमारे पास, अगर सिंपली बात कर लें आप कि बी सी डी तीनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। 180 में ये 50 हो गया, ये कितना हो गया? x हो गया। तो ये कितना बचेगा? ये इतना ही तो बचेगा, 180 माइनस एक्स प्लस 50, ये बचेगा। कौन सा? ये है एंगल हमारे पास डी। अगर आप निकालना चाहो तो, बाकी हमें एंगल डी की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम इसको नहीं निकालेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आप किसकी बात करेंगे, इसकी बात कर रहे थे ट्राइंगल की, इस पॉइंट को छोड़ देना, वैसे ही बताया मैंने आपको, ठीक है। अच्छा जो एंगल डी है इसके ऊपर, जो पॉइंट डी है इसके ऊपर ये वाला एंगल अगर हम देखें तो ट्राइंगल बी सी डी के अंदर ये क्या बन रहा है? एक एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, बाह्य कोण। और बाह्य कोण किसके बराबर होता है? बाह्य कोण बराबर होता है आंतरिक अभिमुख कोणों के योग के बराबर। तो यहाँ पे हम बात करें किसकी? ट्राइंगल ए ई डी की। तो ए ई डी के अंदर एंगल डी किसके बराबर आ जाएगा? ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण है किसके बराबर होगा? आंतरिक कोणों के योग के बराबर। तो ये किसके बराबर आ गया? एक्स प्लस 50 डिग्री के। इतनी बात तो समझ आई होगी हमें। आगे बाह्य कोण किसके बराबर होता है? आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। इतनी बात समझ आ गई। चलो नेक्स्ट करते हैं, हमें पहुंचना है वाई तक।
यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसने क्या कहा कि अब इस पे आ जाते हैं, ये कहता है कि जो साइड है ना ए डी वो किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है। और एक बात ये भी आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टी होती है क्योंकि जब दो साइडें किसी ट्राइंगल में इक्वल है ना तो उसके सामने के कोण भी क्या होंगे, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये किसके बराबर आ जाएगा, एंगल ई के। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ए डी इक्वल टू ए ई, ये कंडीशन याद रख लेना। ये तीसरा पॉइंट निकल के आया, पहला पॉइंट आपको बताया था कि 180 डिग्री के बराबर होता है एंगल का योग, दूसरा पॉइंट आंतरिक अभिमुख जो बाह्य कोण है वो किसके बराबर होगा, आंतरिक अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट, अगर कोई भी दो साइड इक्वल हैं तो उनके जो एंगल है वो बराबर होंगे, जैसे डी बराबर एंगल ई आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला एंगल कितना आ गया हमारे पास, अगर यहाँ लिखना चाहते हैं हम तो ये बढ़ गया एक्स प्लस 50 डिग्री, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। चलो फिर हम चेक करते हैं कि वाई किसके बराबर आएगा, ठीक। अच्छा वाई किसके बराबर आएगा, तो हम बात करें ट्राइंगल ए ई और एक्स की, अब आ जाते हैं ट्राइंगल ए ई सॉरी ए ई और सी की, ठीक है। ए ई सी, ट्राइंगल ए ई सी की बात करें तो इसमें क्या बनेगा, जो E है वो क्या है, ये वाला कोण इस ट्राइंगल में जो E है वो इस ट्राइंगल के हिसाब से क्या है, बाह्य कोण है, बिल्कुल है। इस ट्राइंगल में हम देखें तो हमारे पास जो एंगल E है बाह्य कोण, बाह्य कोण एंगल E, ये किसके बराबर आएगा, आंतरिक कोणों के योग के बराबर आएगा, एक्स प्लस वाई। मैंने ये लिखा है, समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। एंगल ई बाह्य कोण है जो किसके बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अच्छा, इस एंगल की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 50, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ना एक्स प्लस 50 डिग्री, और इस साइड ये आया हुआ है हमारे पास एक्स प्लस वाई, तो ये कैंसिल, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री, तो ये आएगा हमारे 50, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, सिर्फ दो पॉइंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन हमने एक ही किया है, कल जो वीडियो करेंगे उसके अंदर नेक्स्ट बनाया जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे सवाल है, स्टार्टिंग से ही मेहनत करते चलना, और जैसे ही वीडियो आप देखते हो तो वीडियो को नोट करना भी स्टार्ट कर देना, क्योंकि ये ज्योमेट्री है, और ज्योमेट्री ऐसे नहीं कि आप वर्बली याद रख लेंगे, सारी बातें याद नहीं रहेंगी, आगे बहुत सारी प्रॉपर्टी आनी है, प्रॉब्लम आएंगी, सारी की सारी नोट करना, दो बार खुद से प्रैक्टिस करना, तीसरी बार रिवीजन करना, तब जाके ज्योमेट्री आपके दिमाग में सेट होगी, ओके। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।